गाइस नमस्ते। आज मैं प्याज और आलू की सब्जी बना रही हूँ। ये देखिए, प्याज को छील के धो ली हूँ, काट के, और मैं आलू काट दी हूँ। ये देखिए, पतले पतले लंबे लंबे ऐसे काट लीजिएगा आप। वीडियो लंबी हो जाती है इसलिए मैं पहले से काट रखी हूँ। अब इसमें ऐसे चीरा लगाऊंगी, ये देखिए ऐसे, ताकि रस जो है अंदर तक पहुँच जाए। देखिए सारी काट लेंगे ऐसे ही। तो देखिएगा इस सारे में चीरा लगा ली हुई, देखिए कैसे लगाई हूँ। चार इधर से चार कर दी हूँ। देखिए तो इसी तरह सारा कर लेना आप भी। और गोल प्याज लेना, साबुत से बनाएगा तो और अच्छा लगेगा। ये देखिए गोल गोल छोटे छोटे, आप जैसे अपने मीडियम साइज जैसे आपको बनाना वैसे ले लेना। देखिएगा इस कढ़ाई बैठा दी हूँ, अब इसको गर्म होने दूंगी। तो देखिएगा इस कढ़ाई गर्म हो गया है, अब इसमें तेल डालूंगी। ये देखिए थोड़ा तो ज़्यादा डालूंगी क्योंकि प्याज आलू फ्राई करना है। देखिए गाइस इसमें प्याज डालूंगी। ये देखिए देखिए गाइस आलू भी डाल दूंगी। 2 मिनट बाद आलू भी साथ में फ्राई हो जाएगा। ये गाइस मैं फिर नमक डालूंगी ताकि प्याज और आलू जो है अच्छे से गल जाए। मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, थोड़ा सा टाइट रहेगा तभी बंद कर दूंगी। तो देखिए गाइस यहाँ पर प्याज टमाटर ली हूँ, काट दी हूँ धो के, और इसको मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। प्याज नहीं डालना क्योंकि प्याज से पहले ही उसमें डाला हुआ है, प्याज का स्वाद आ जाएगा ऐसे ही। इसको मिक्सी में ग्राइंड करती हूँ। देखिए गाइस थोड़ा सा काली मिर्च डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, और इसको मिक्सी में ग्राइंड करूंगी। तो देखिए गाइस कैसा पेस्ट बना है। देखिए चलती हूँ फ्राई की तरफ, प्याज फ्राई हुआ कि नहीं। देखिए गाइस अभी फ्राई हो रहा है, बीच बीच में चलाते रहना। देखिए जब तक आलू ही सीख गए, छोटे वाले तो सीख गए हैं, थोड़े बड़े ही नहीं सीख गए। इसको और 10 मिनट और ऐसे ही पकाऊंगी मीडियम हाई पे, मीडियम आँच पे बना है। देखिए गाइस 10 मिनट हो गया है, आलू तो प्याज पक चुका है, और इसको बस बर्तन में निकालूंगी। देखिए कैसा पका है। तो देखिए गाइस तला हुआ जो था आलू प्याज उसी का तेल बचा हुआ है, उसी में 1 तेज़पत्ता डालूंगी, थोड़ा सा जीरा डालूंगी, अदरक रखी थी कद्दूकस कर वो डालूंगी, इसको सब पकने लूंगी। देखिए गाइस पक गया है, अभी इसमें पेस्ट डालेंगे बनाई थी। देखिए गाइस थोड़ा ठीक हो गया है पेस्ट, उसमें बाकी के मसाले डालूंगी। 1 चम्मच किचन की मसाला डालूंगी, एक चम्मच कश्मीरी मिर्च डालूंगी, देखिएगा इस मसाला पूरा तेल छोड़ दिया है। इस टाइम इसमें थोड़ा सा जाएगा मलाई वाला दूध, देखिए मलाई वाला दूध डाल रही हूँ, फ्रेश मलाई है और दूध भी है साथ में। आप चाहे तो नहीं भी डालें पर ये डाल दीजिएगा दूध, तो बहुत टेस्टी बनेगा मलाई से। देखिएगा इस नमक जाएगा इसमें अपने स्वाद अनुसार। देखिएगा इस कितना अच्छा लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा है मसाला। ये देखिए पूरा तेल छोड़ दिया है, तेल छोड़ दे मसाला तो समझ लो अच्छे से फ्राई हो गया है। अब इसमें सब्जी डालूंगी जो फ्राई करके रखी हूँ, इसको मिलाएंगे, 10 मिनट ऐसे ही पकाऊंगी अभी। देखिए गाइस थोड़ा तो पानी डालूंगी इसमें, अगर आप ग्रेवी खाते हो तो थोड़ा पानी डाल देना, नहीं खाते तो ऐसे ही छोड़ देना। मैं थोड़ा सा पानी डाली हूँ ग्रेवी के लिए, अब इसको 5 मिनट ऐसे ही पकाऊंगी लो फ्लेम पे।
तो देखिए गाइस सब्जी बन गया है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है सब्जी। थोड़ा सा कसूरी मेथी डालूंगी इस पे, ये देखिए। तो गाइस सब्जी बहुत अच्छी लगती है, प्याज की और आलू की सब्जी बहुत अच्छी बनती है। तो घर पे ट्राई जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सो गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। सो गाइस बाय गाइस।